नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप प्रेमी, बड़ा गांव सीएससी से होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी। जैसे कि आपने अभी देखा भी होगा यूट्यूब पे और दूरदर्शन चैनल पे भी कि एक अमृता होम्योपैथी पहल है जो हमारे पूर्व कलेक्टर प्रदीप कुमार बोरड़ जी की वजह से शुरू हुआ था। इस प्रोग्राम में हमने जितने भी हमारे 8 ब्लॉक हैं वहाँ पर सभी आशा सहयोगियों को, ANM बहन जी को एक किट दिया था होम्योपैथी का, जिसमें 15 दवाइयाँ थी। उनका करना ये था कि हमने उनको ट्रेनिंग दी उसके बारे में कि ये होम्योपैथी दवाइयाँ आपको किस तरह से आम जन पे पहुँचानी है कि एक सस्ता, सुंदर, सुलभ, हानि रहित उपचार पूरे हमारे समाज को मिल सके। और उसी पहल में एक हमारे पेशेंट हैं जिनका नाम है, क्या नाम है आप? अमर सिंह। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, क्या तकलीफ थी आपको? पथरी की प्रॉब्लम थी। अच्छा, पथरी की प्रॉब्लम थी। कितनी पथरियां थी आपको? दो पथरियां थी। एक पथरी पहले किसने बताया? मेरे को आंगनबाड़ी के अंदर। आंगनबाड़ी के अंदर पे बहन जी ने बताया? हाँ जी। अच्छा, किस किस क्या बताया आपको? उसने बताया कि आपने बड़े गांव में होम्योपैथी का डॉक्टर बैठता है और उसकी दवाई दो एक बार। अच्छा, उसकी दवाई से आराम मिल सकता है। मैंने पहले ये दवाई, अंग्रेजी दवाई ली थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, फिर आपके पास आया, होम्योपैथी की दवाई, एक कोर्स लिया था। एक कोर्स में कितने दिन लिया आपने ये दवाइयाँ? 15 दिन लिए थी। 15 दिन में आपको निकल गई। अच्छा, ये है अमर सिंह जी, ये इनकी रिपोर्ट है अमर सिंह जी की, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जिसमें इनको ये 6 mm की पथरी बताई गई है। ये सीसी अमर सिंह जी साथ में लेके आए हैं, जिसमें इनकी पथरी निकल गई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पथरी। ये पथरी है, ये पथरी का साइज आप देख सकते हैं कितना है। ये पथरी मात्र होम्योपैथी दवाई लेने से 15 दिन में इनकी निकल गई है। तो मैं आमजन से यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी दवाइयों का यूज़ करें, उनको काम में लें आप, ठीक है, जिससे आपके और आपके स्वास्थ्य को हानि रहित तरीके से सही किया जा सके। एक स्वास्थ्य की जो अवधारणा है उसके लिए होम्योपैथी बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है, जिसको आपको यूज़ लेना चाहिए, जिसमें आपको जितने भी सर्जिकल प्रॉब्लम है, जिस तरह से पथरी है, पाइल्स है, PCOD है, फ्रोजन शोल्डर है, बच्चेदानी या गर्भाशय में भी कोई गांठ है, ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर है, उसका बहुत ही अच्छे तरीके से, हानि रहित तरीके से आपका होम्योपैथी में इसका उपचार संभव है। अब अपन सुनते हैं कि अमर सिंह जी का होम्योपैथी के लिए क्या एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा सा आप होम्योपैथी के बारे में बताइए कि क्या आपको इसमें अच्छा लगा, इसमें क्या बुराई है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने अंग्रेजी दवाई ले चुका था लेकिन फिर भी नहीं निकली थी पथरी, और एक ही कोर्स के अंदर निकल गई पथरी। मैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साहब। देखिए अमर सिंह जी, शुक्रिया इसमें हमारे पूर्व जो कलेक्टर साहब थे प्रदीप कुमार जी बोरड़ जी का करना चाहिए, उन्होंने ही इस पूरे प्रोग्राम को चलाया था और आम जन तक होम्योपैथी को पहुँचाया था। ये अमृता होम्योपैथी